भाई जगह कितनी आ गई? अच्छा, और फिर आपने इसका और इसका सम इस गल्टो में इतना कर लिया, आइडिया तो बढ़िया लगाया आप लोगों ने, कुछ भी कहो आपने धांसू चीज लगाई है, ठीक है ना। नहीं मुझे, मेरे को इस बार 13 में पेपर हुआ था, जबरदस्त पेपर था, उसमें बच्चों ने वेक्टर के क्वेश्चन मिनलोस थ्योरम से होता था, ठीक है ना, तो उसके लिए बताया कि सर हमने तो क्या किया, ये क्वेश्चन है ना ऐसे क्वेश्चन था, ठीक है ना, अपना क्वेश्चन जो था अपन ने तो क्वेश्चन को ऐसे फोल्ड कर लिया था कि हम क्वेश्चन देखें ही नहीं, ठीक है। मैंने कहा फिर कुछ नहीं, ऐसे सर ऑप्शन लिखे ना, चार ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस मोर देन वन करेक्ट है, तो चार ऑप्शन में हमने क्या किया, हमें पता था ये एक से ज़्यादा उत्तर है ना, एक से ज़्यादा आंसर है, इसका मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी होते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो हमने दो इक्वेशन जो a प्लस बी ए प्लस ऐसे एक आंसर था a माइनस बी इजल टू 5 और 2a प्लस बी इजल टू 8 और ऐसे आगे a प्लस बी में तीन चार आंसर थे, तो हमने क्या किया, हमें पता था कि a और b में आंसर है, दो इक्वेशनों को सॉल्व कर लिया, दो इक्वेशन ही दो को, उससे a और b की वैल्यू आ गई और बाकी बची हुई वैल्यूज में बाकी बची हुई जो थी ना उनमें जिसमें सेटिस्फाई कर गई वो तो आंसर हो गया, इसका मतलब तीन आंसर हो गए पक्के, जिन दो को सॉल्व करा और जिससे मिल गया और जो नहीं मिला वो आउट हो गया। मत समझ में आया वो कितना सिंपल रिस्क, मैंने क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन को तो उन्होंने कहा सर हमने पीछे रख लिया, ऐसे अपने क्वेश्चन देखना ही नहीं है, अपने को पता है अपने को आंसर देखना है, मल्टीपल चॉइस मोर देन वन करेक्ट के, ठीक है ना, इंटीग्रेशन का। अब मेरे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के मेरे को बताएंगे सर ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन अपने फोल्ड कर लिया, क्वेश्चन फोल्ड कर लेते हैं सर, अपन क्या क्वेश्चन नहीं देखते सर, ठीक है अपन ऑप्शन देखते हैं, एक्स की जगह पर पाई बाय 3 डाला है ना, एक्स की जगह पाई बाय 3 डाला, जिन दो के आंसर मैच कर गए दे आर करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट है सर नहीं मल्टीपल करेक्ट है, दो में आंसर मिलाया जिनका बैठ गया वो दो सही निकल गया सर, और बाई चांस मैंने बाहर आके देखा दो ही सही थे, ठीक है ना। और जब मैंने ये तरीका दूसरों को बताया, दूसरे टीचर को बताया, तो मैंने कहा सर इन्होंने तो a प्लस बी इन दो को सॉल्व करा और ये आंसर इसमें बैठ गया और इसमें नहीं बैठा, तो सामने वाला टीचर भी बड़ा चतुर है ना, उसने फट से बोला अरे इसके तो तीन आंसर है ही नहीं आया समझ में, तो सामने वाले की बात काट दी, ठीक है। इतने में चौथा टीचर कहता नहीं सर इसके तीन आंसर है जैसे आप में से कोई अगर बताने जाए कि अरे सर मैंने ऐसे किया तो आप तो एक बार बोली हवा में आ जाओ, अच्छा सर तीन आंसर नहीं है क्या, गलत तरीका था शायद लेकिन घर जाकर के आपको पता चले अरे इसके तीन थे यार, मेरे को उस समय एक बार साइलेंट मोड में डाल दिया, ठीक है अब इसका आ जाओ, तब तक आपने तरीका जो भी लगाया, ठीक है ना, नो डाउट आपने अल्टीमेट तरीका लगाया और एकदम